मेरी लाइफ का सबसे छोटा व्लॉग मैंने आज अपलोड करा है, क्योंकि मम्मी साफ सफाई कर रही थी ना, तो कुछ था ही नहीं शूट करने को। तो मैंने सुबह नाश्ता करा ब्रेड और दूध का, और फिर मम्मी के लिए चाय वगैरह बनाई। और ये सारा देख लो, ये छोटा सा व्लॉग होने वाला है, तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, डोंट वरी। तो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने गिलकी इसको कट कर लिया, और सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, साथ में सब्जी रोटी सब साथ में ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि मम्मी किचन में कुछ हेल्प नहीं करा रहे थे वो, उनको क्या घर की साफ़ सफाई कर रहे थे धीरे धीरे, पापा के साथ में, पापा के बिना नहीं करती साफ़ सफाई वो, धीरे धीरे साफ़ सफाई कर रही थी, इसलिए उनको दिन भर लग जाता है, ऐसे बैठे बैठे ही काम करती है सारा। और फिर उसके बाद में ये देख लो, साफ़ सफाई हो गई है ऑलमोस्ट यहाँ की। अब मम्मी किचन में आई थी, किचन के डब्बे वगैरह सिर्फ उनको जमाना था, और ये सब कुछ नीचे उतारा पापा ने। और ये देख लो साफ़ सफाई, अभी एंड में बताऊँगी मैं कैसी साफ़ सफाई हुई है। तो सुबह से नीचे ना मम्मी काम कर रही थी, पूरी साफ़ सफाई चल रही थी, सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया। और फिर मैं ऊपर बैठी हुई थी, ऐसे टाइम पास वगैरह कर रही थी, मोबाइल चला रही थी, एडिटिंग वगैरह अपना जो भी रहता है, एडिटिंग अपलोड करना वो सब कर रही थी मैं, और नॉट टाइम पास, ओके। और अभी मैं नीचे जा रही हूँ पास्ता बनाने में, पास्ता बनाने वाली हूँ, मेरे को बहुत दिनों से पास्ता खाने की छोड़ थी, इसलिए मैं पास्ता बनाती हूँ जाके यार। और फिर क्या, फिर मैं ऐसे ही बैठे बैठे एडिटिंग कर रही थी दिन भर, और दिन भर ऐसे ही निकल गया नॉर्मली। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा पास्ता बना लेती हूँ, तो ये पास्ता मैंने बनाया, बॉईल करा पास्ते को अच्छे से, और फिर उसके बाद उसके लिए वेजिटेबल्स कट करे, और मम्मी शूट कर रही थी ये वीडियो, तो यहाँ पर मैं फटाफट से कट कर रही हूँ, मम्मी के साथ मस्ती भी कर रही हूँ। और ये मम्मी अभी आपको पूरा किचन दिखाएगी उन्होंने कैसा साफ़ करा, ये देख लो कितना सिस्टमैटिक और कितना क्लीन लग रहा है ना। और नीचे के पर्दे वगैरह सब कुछ धोने में गए हैं, और अभी फ़िलहाल तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, और जल्दी से दशहरे का व्लॉग भी मैं लेके आऊँगी आप सबके लिए। तो यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह डालना शुरू कर दिया है, और फिर यहाँ पर मैं अब उसको बघार लगा रही हूँ, पास्ता बना रही हूँ, तो सारी स्पाइसी चीज़ें मैंने डाल दी, मिर्ची टमाटर सब कुछ। और ये देख लो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, तो ये मैंने अच्छे से इसको भूना मसाले को, और फिर पास्ता डाला, फिर मसाले डाले, और थोड़ा सा मीठा सॉस के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ये बन गया मेरा पास्ता यम्मी सा, और फिर उसके बाद में बस माला वाला करने के बाद मैं सोने चली गई। तो बस इतना सा ही ब्लॉग था, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करना, क्योंकि दशहरे का बहुत ही अच्छा ब्लॉग शूट करा है मैंने। बाय बाय।